हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम एंड फैमिली। फ्रेंड्स, अभी दोपहर का वक्त हो चुका है तो मैं दोपहर के खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जिसमें मैं सबसे पहले दाल बना रही हूँ, तो जिसके लिए बर्तन में तेल ले लिया है। तेल गर्म होते ही उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया वो लहसुन को मैंने कूट लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लाल मिर्च डाल दी थी। और जीरा जैसे ही तड़क गया उसमें मैंने पहले लहसुन डाल दिया पानी वाला, और उसके बाद इसमें जो हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, जो भी मसाले डालने थे वो मैंने डाल दिए हैं। और अभी इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। और अभी इसे हमें थोड़ी देर के लिए पका लेना है। थोड़ी देर बोले तो इसे थोड़ा सा उबलने देना है। तो अभी मसाले भी साथ ही साथ पकते जाएंगे और जो मसाला है वो भी उबल जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़े से पापड़ को फ्राई करके रख दिया है, क्योंकि दाल चावल होते हैं तो हमारे घर में पापड़ ज़रूर ही बनते हैं। चावल भी पक के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं फिर से दाल की तरफ। और ये दाल बहुत ही टेस्टी वाली दाल है, आप ज़रूर से बनाइएगा। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है दाल में। तो अभी दाल को और मुझे मसाले को पकाना है, इसीलिए अभी मैं साथ ही साथ पोछा भी लगाने का काम करती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ दो दो तीन तीन काम अगर हो पाते हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हर जगह पे पोछा लगा लूँगी, और क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे होते हैं तो दिन में दो तीन बार हमें पोछा लगाना ही पड़ता है, तभी घर अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छे से उबल चुका है और उसने तेल भी छोड़ दिया है। अभी मैंने इसमें मटर डाल दिए है, ये सफ़ेद वाले मटर है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के मैंने उबाल लिया था। मटर डालने के बाद मैंने इसमें पानी जितनी ज़रूरत थी उतना डाल दिया है और थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हो। और अभी दाल को फिर से मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं बीट को काट लेती हूँ। बीट इन दिनों बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए बीट खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बीट को मैं काट लेती हूँ। मैं हर दोपहर में बीट ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो बीट को देखिए काट लिया और इसका बहुत बढ़िया वाला कलर रहता है, ये खाना और देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दाल भी देखिए हमारी बहुत ही अच्छे से उबल उबल के बोल रही है। चलिए अभी हमें खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी वाली दाल है, आप ज़रूर से बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले पापड़ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पापड़, मुझे मेरे परिवार को हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और दाल चावल एकदम गर्मा गर्म है तो हम इसे एंजॉय करते हैं। अभी सीधे शाम को आपको मिल रही हूँ। तो शाम का वक्त है, मैंने यहाँ पर मठिया को फ्राई कर दिया है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और आप घर पे भी बना सकते हो। मठिया खाने के बाद मैंने तुरंत ही खिचड़ी रख दी थी, क्योंकि आज खिचड़ी खाने का मन हो गया था। और खिचड़ी पक जाने के बाद मैंने सोचा सब्जी बना लेती हूँ, तो मैं गोभी और आलू की सब्जी बना लेती हूँ। ये बंद गोभी है। तो अभी तेल में मैंने जीरा डाल दिया था और उसके बाद हल्दी पाउडर, हींग पाउडर, और ये गोभी और आलू को मैंने एकदम बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। और अभी इसे थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी और फिर मसाले कर लूँगी। अभी मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाली सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये सब्जी बीट की है, और बच्चे अगर कच्चा बीट नहीं खाते हैं ना, तो आप इस तरीके से उन्हें बीट की सब्जी बना के खिलाइए। सच में फ्रेंड्स, बच्चे बीट की सब्जी ज़रूर से खा लेंगे। तो जिसके लिए मैंने बीट को कद्दूकस कर लिया है, आप कद्दूकस कर लिए या फिर मिनी चॉपर से चॉप कर लीजिए। और साथ ही में प्याज को भी, और उसमें थोड़ा सा नारियल मैंने डाल दिया है। तो इन दोनों को अलग अलग हमें चॉप कर लेना है। अभी एक बर्तन में मैंने तेल गरम किया है, तेल गरम होते ही उसमें जीरा डाला, हींग डाली, और ये जो प्याज थे ना हमारे उसे मैंने डाल दिया है। और प्याज के साथ ही मैंने ये जो हरा वाला नारियल होता है ना उसे भी डाल दिया था। और प्याज को नमक डाल के थोड़ी देर पकने दिया, अच्छे से पक गए प्याज। उसके बाद इसमें मैंने बीट रूट जो थे ना वो डाल दिए है, और उसमें ही हरी मिर्चों को मैंने काट के डाल दिया है, ताकि खाते वक्त उसे अलग रखना हो तो हम अलग निकाल सकते हैं। अभी बीट अच्छे से पक चुके है, तो इसके अंदर मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूंगी। और अगर आप चीनी खाते हो तो ज़रूर से डालिएगा, लेकिन थोड़ी सी चीनी आप डालिएगा, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चीनी डालने के बाद इसे मैंने फिर से अच्छे से मिला दिया है, और यहाँ पर देखिए हमारी यम्मी वाली बीट की सब्जी तैयार हो चुकी है।
आपको आज की ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये यम्मी और टेस्टी सब्ज़ी आप अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा। फिर से मिलती हूँ, बाय बाय।